नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा मैथ के जारी के मॉड्यूल पर से है और ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32, … का सर्वांतर है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला गया है कि इस समांतर श्रेणी का जो है सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी एपी का जो सर्वांतर होता है वो क्या होता है, तो देखिए सर्वांतर बराबर होता है, ये जो है डी होता है, छोटा डी से डिनोट करते हैं इसको, और ये होता है ए टू माइनस ए वन। और ए टू कितना है तो √8, यहाँ पर लिखेंगे √8 − a1 कितना है तो √2। वैसे हम डी निकालने के लिए जो है a3 − a2 भी कर सकते हैं और a4 − a3 भी कर सकते हैं, तो इससे जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, सब मान जो है समान ही आएगा, मतलब डी का मान जो है समान ही आएगा। तो यहाँ देखिए इसको ले सकते हैं √2। अब ये आया कैसे, तो ये देखिए √8 बराबर ले सकते हैं रूट के अंदर में 2 × 2 × 2। अब देखिए इसका जो है जोड़ा मिल गया है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर का रूट क्या होगा तो 2 होगा, और ये इसका जोड़ा नहीं है तो ये जो है रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो 2√2 जो है किसके बराबर होता है तो √8 के बराबर। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम लिखे हैं √8 √2 − √2। अब देखिए अगर हम 2√2 में से जो है √2 घटाएंगे तो कितना आएगा तो √2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा।